हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पोके अल्ट्रा गेमर के नए एपिसोड में, जिसमें आज हम पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के जीबीए वर्जन को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। और मैंने लास्ट एपिसोड में ये भी कहा था कि मैं पोकेमॉन ग्लेस भी खेलूँगा, तो इस एपिसोड के बाद ज़रूर आएगा अगले दिन, या फिर जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तब रिकॉर्ड कर लूँगा। वैसे आज ही डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो लास्ट एपिसोड में हमें अपना स्टार्टर पोकेमॉन मिल गया था, जो था ग्रू की, दिखा भी देता हूँ। और हमने दो और पोकेमॉन भी पकड़े थे, अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही तो मुझे माफ़ कीजिए, वैसे अच्छा लेवल अप तो हुआ ही है। और हमने पिछले एपिसोड में दो बार होप से बैटल की थी, जो हमारा राइवल था, और हमें मिला विशिंग स्टार और डायनामैक्स बैंड। दिखा देता हूँ, वैसे विशिंग स्टार कहाँ पर देख सकते हो, डायनामैक्स बैंड, और यहाँ पर है विशिंग स्टार। और मुझे ये पता चला है कि विशिंग स्टार से पोकेमॉन जजेंटा मैक्स हो सकते हैं बैटल के दौरान, लेकिन मेरा कोई पोकेमॉन जजेंटा मैक्स नहीं हो सकता, यू नो, उसके लिए तो स्टेज होना ज़रूरी है, या फिर उसको फाइनल स्टेज होना। तो ज़्यादा बकबक नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है अब कहाँ जाना है, तो मेरे पीछे आते रहो। और एक और बात, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे गेम प्लेस के बारे में, एक गेम प्लेस और देख पाओ। अबे चिवटल, भाग जा यहाँ से। तो आज हमें जाना है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आना है, और हमें यहाँ पर जाना है। और पता नहीं हम यहाँ कहाँ आ जाते हैं, वर्ल्ड एरिया। हाँ, तो हम यहाँ वर्ल्ड एरिया में आते हैं, ये मुझे पता चल गया था। तो हमें यहाँ आगे जाना है, फिर कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, शायद यहाँ कोई आइटम होंगे, ढूंढता हूँ, शायद मिल जाए। कुछ ज़्यादा ही बड़ी जगह है भाई, एक पिकाचू, मुझे नहीं पकड़ना। उनके पास एम्पर है भाई, लिटरली यहाँ पर कोई आइटम नहीं है, दिक्कत है भाई। हाँ, वहाँ पर एक आइटम है, ये हुई ना बात, मैक्स पोशन, बहुत अच्छा आइटम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे चिवटल पकड़ना चाहिए, लेवल 13 का ये अच्छा है। वैसे मैं एक वाइन भी मारता हूँ, फेंट तो नहीं होगा ये गारंटी है, पे बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा है ये। हमारा नया पोकेमॉन चिवटल, बहुत अच्छे, लेवल 14 का हो चुका अपना ग्रू की, रुकीडी 13, यहाँ पर 13, तो आजा। यहाँ पर लगता तो नहीं क्या ना, लेकिन मुझे वहाँ एक आइटम दिख रहा है, पता नहीं बैकग्राउंड में कितनी नॉइज आ रही होगी, मुझे तो सुनाई दे रही है इसलिए बोल रहा हूँ, शायद आपको भी सुनाई दे रही होगी तो इग्नोर कर दो उसे। नीचे एक और आइटम, वाह, आइटम लगता है कि आज बहुत सारे आइटम मिलेंगे। यार हील भी नहीं है मेरे पोकेमॉन, सनी डे बहुत अच्छा आइटम लग रहा है, काम आएगा। और क्या क्या क्या, मुझे लगता तो नहीं कि यहाँ पर कुछ, ओ मंचलैक्स, अंडे से हैच हुआ लगता है, वरना एक लेवल का कहाँ से आता है यार, लिटरली बहुत। मुझे और आगे नहीं जाना भाई, मुझे रास्ता पता है, मुझे आगे कहाँ जाना है, इसीलिए मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाने वाला। एक मिनट, ये वॉल्यूम थोड़ा कम कर देता हूँ। हाँ चलो, और ये रेड पोल जो होते हैं ना, ये डायनामिक्स बैटल के लिए, वैसे मैं अभी नहीं करने वाला, उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, टेंशन ना लो। अब मुझे यहाँ
हम बच गए मॉस्टिक टाउन, मॉस्टोक टाउन कुछ भी हो। और आप मुझे ये भी पता चला कि यहाँ मार्ट के ऊपर भी दो लोग हैं, और ये एक नेम रे, ये मुझे टीएम्स खरीदता है, ये कैसे है? अच्छा अच्छा नेम रेटर है, किसको नाम लगाना है डाल सकते हो, और मूव डिलीटर और मूव रिलेम्बर। चलो मूव रिलेम्बर करता हूँ अब इसके। अच्छा अच्छा ग्रुकी के पास उतने नहीं यार, नहीं टीएम्स क्या है तेरे पास? बाबरे इतने महंगे लिटरली नहीं खरीदना। चल हट। और आप वैसे रिपेल काम आ सकता है, ठीक है थोड़े रिपेल्स ले लेता हूँ, पांच ठीक। और अपने लिए तो बस इतने दे दो। नहीं नहीं भाई बहुत कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, हमें उनकी भाषा तो समझ में नहीं आने वाली, मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे मुझे जाना कहाँ है अब? शायद ऊपर जाना हो। ये क्या है? वो एक एलिवेटर, यहाँ पर अपना हो राइवल होप है भाई। मैं तो बस यहाँ पर आ, तो हमें शायद यहीं पर ही जाना हो। हाय होप, कैसे क्या चल रहा है? अच्छा शायद हमें रजिस्टर करने के लिए कुछ वही ऐसा ही बोला है। अभी जल्दी से पंचायत ख़त्म कर। अब मुझे कहाँ जाना है? यहाँ पर नहीं, फिर कहाँ पर जाना है भाई? ये क्या है बड़ा सा? आज तो मैं कमाल कर रहा हूँ, सही सही जगह पर जा रहा हूँ। तो ठीक है आने दो आने दो। शायद ये वो मूर्ति क्या है तेरे पीछे? सोनिया क्या नाम है? अब मुझे कहाँ जाना है? ये क्या है? सेव कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं। वाह पंचायत ख़त्म कर भाई, क्या बैटल। मुझे लगा नहीं था कि मुझे बैटल करना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं कोई बात नहीं। रेजर लीफ ख़त्म नहीं हुआ यार, क्या प्रॉब्लम है? एक बार हार नहीं सकते क्या? चल हार गए कोई बात नहीं, इतना कम एक्सपीरियंस, तुझसे अच्छा तो उधर वाइल्ड पोकेमॉन से भाई जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देते हैं। चल कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाय निकेट, तू तो अच्छा एक्सपीरियंस देना ठीक है। क्विक अटैक, एक अटैक में ख़त्म, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, शुक्रिया। चलो शुक्रिया मदया। अब अपना राइवल होप भी आ गया, अब क्या ड्यूअल बैटल तो नहीं करेगा? अब क्या हुआ, हील किए थे क्या? एक और बैटल, अबे लग एक मिनट, ओ जरा गाने का सॉन्ग था इसलिए। चलो एक और निकेट ख़त्म। अच्छा हुआ लगता है कि मैंने ग्रुकी को चुना, आई थिंक ग्रुकी बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। चैप्टर ने सीखा है प्रोटेक्ट, ग्रुकी ने इन तीनों को हरा दिया। वाह और उधर साइड भी लग ऑडियंस थी क्या जो बैटल देख रही थी? ता नहीं, चल कोई बात नहीं, हमें इससे क्या लेना। अब क्या होप, कहाँ जाना है मुझे? अबे यार यहाँ तो बच्ची की साउंड है, एक मिनट। तो मैं आ गया, उजारा बच्ची की साउंड था इसीलिए मैंने फिर से जगह बदल दी। और लगता है ये सब जिम लीडर्स है क्या? राइवल होप है मेरा, फिर लगता है ये सब जिम, और वो लड़की भी है उधर। अरे अंकल क्या करे, अब तो कुछ पंचायत होने वाला है। अच्छा ये सब जिम लीडर्स है भाई,
कितने हैं भाई? 8 से तो ज़्यादा ही लग रहे। 9 है। और भी कौन है? अब मुझे कहाँ जाना है? ओ यहाँ पर भी एक। सॉरी। अबे यार चलो मट भैया, आपके पास मेरे पास फालतू के पास है नहीं। चल हट। यहाँ पर राइवल के मेरा होप क्या कर रहा है? बैटल। ठीक है ठीक है, देखते हैं तेरे पकवान कितने ताकतवर है। मुझसे तो ताकतवर होंगे नहीं। कोई बात नहीं, हुए तो भी हरा दूंगा। हा हा हा। ग्रू की लेवल 16 लगता है, इवॉल्व हो सकता है, पता नहीं लेकिन हाँ शायद हो सकता है। नहीं यार रॉर बहुत घटिया अटैक होते हैं। चौटा लेवल 15 रुकीडी है, इसके लिए एम्पायर के पास क्या कुछ अटैक है क्या? इलेक्ट्रिक, हाँ 100 शॉक। तो एम्पायर अपन सारा अच्छे से फ्रीली खेलेगा बिना कोई डिसएडवांटेज के। हा, मेरे पास बहुत टाइप एडवांटेज है। एम्पायर बहुत बढ़िया। और ये रुकीडी प्लग सीखना चाहता है, वैसे क्लॉ डिफेंस किसी काम का तो होगा नहीं, सिर्फ डिफेंस बढ़ाएगा। सोबल स्टार्टर वर्सेस स्टार्टर करते हैं यार। यहाँ सॉन्ग फिर से स्टार्ट हो रहा है, एक मिनट। सो आई एम बैक। तो रेजर लीफ और ये खत्म। अपन से ताकतवर कोई नहीं है भाई। और सबका लेवल अप हो रहा है लगता है। अब ग्रुप की यस अब इवॉल्व होने वाला है। कल हमें मिला था अपना स्टार्टर पोकेमॉन और आज हमारा ग्रुकी इवॉल्व हुआ है ट्वैकी में। बहुत अच्छा नाम, डबल एज। सिक्का हूँ क्या? अभी के लिए सिक्का लेता हूँ, बाद में हटा दूंगा। वैसे भी वो बहुत ही रिस्की अटैक है। वैसे मेरे पोकेमॉन कैसे है? बहुत अच्छी हालत में, इसलिए कुछ ज़रूरत नहीं है। तो कमान आगे बढ़ते हैं। एक वल्फिक्स। ऐसे मेरी टीम में फायर टाइप की कमी है, फिर भी नहीं पकड़ूंगा। चल हट। नहीं मेरे पास रिपेल है पर आगे किस काम आ सकता है, इसलिए वो ये शायद अच्छा पकवान है। क्या अटैक करूं? माइंड व्हिप यार, इतना तगड़ा डैमेज मैंने आज तक नहीं देखा। वाह कौन? शायद एम्पर। सेव कर लेता हूँ, मुझे अच्छा पोकेमॉन लग रहा है। टैकल तो कर। यस ओ या यप, एक और टैकल। यार एक मिनट सेव फाइल लोड करता हूँ। तो आई एम बैक। एक टैकल, अब इतना काफ़ी है लगता है। चलो एक पकबल डालते हैं और पकड़ते हैं उसे। आएगा क्या? आएगा, यस आ गया। मैं तो पकड़ने में एक्सपर्ट लगता हूँ। तो हमारे पास एक फर टाइप आ चुका है, मुझे हील करना पड़ेगा। वैस साइड साइड जगह दो भाई। ग्राउलित, माफ़ करना मैंने अभी एक पकड़ा। और ये गला रीजन का पकवान है, इसलिए तुम जैसे कैंट ओरिजन को नहीं पकड़ूंगा। वैसे मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, बट ग्राउलित इज ऑल्सो अ ओपी पकवान, बट तुम समझ सकते हो यार, हम गलार रीजन में है तो गलार टाइप गलार के पकवान पकड़ेंगे। वैसे सब गलार के ही है।
हम गला रीजन के ट्रेनर है, माचो अप नहीं, चल हट। अबे भाई ये रुकड़ी तो कुछ ज्यादा ही है, पता नहीं मुझे यहाँ गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। जब मैं जंगली बकमांस में यहाँ रिपल मारना चाहिए क्या, लगता तो नहीं। आगे शायद एक बैटल होने वाली है, पैंच ना, चल हट यार, तेरी इंटिमिडेट की वजह से अटैक गिर गया। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, वेल फिक्स। उशी बे यार, चैप्टर के पास क्या है, वाटर गन, बहुत अच्छा। ऑब्वियसली मैं चैप्टर डालने वाला हूँ, वैसे उतना इफेक्ट करेगा नहीं, ये वाटर टाइप है। डिफेंस कम कर रहा है, अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है तो मुझे माफ कीजिए। इस गेम में भी पंचायत चल रहा है और बैकग्राउंड में भी पंचायत ही चल रही है। अपन लोग सबसे बैटल करेगा, वैसे लेंथ बहुत हो रही है। डबल एज खत्म कर यार, बहुत घटिया डैमेज दिया है। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रेजर लीप यार, इस पर एक कौन सा टाइप है, डार्क टाइप लगता है, डार्क एंड फाइटिंग या फाइटिंग टाइप, जो भी टाइप हो, हमें से क्या ही लेना देना। सॉरी बैकग्राउंड में शायद बहुत नॉइज आ रही है, इस खत्म, उसका लेवल लेट हो चुका है। वैसे तुम लोग इतने कम, व्हाट, नेक्स्ट सिटी कौन, कहाँ पर है भाई, स्कूल किड यार, क्या डालूँ, ऑब्वियसली रुकिडी। सॉरी, यहाँ बैकग्राउंड में बहुत ना सारी है, सॉरी। तो हम प्लग करेंगे ऑब्वियसली और खत्म, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके लिए भी हम यही पोकेमॉन डालेंगे, मुझे पता था कि ग्रास टाइप ही होगी, और हमने इसको भी हरा दिया और लेवल 17, सबका लेवल अप हो रहा है, वाह। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नीचे भी कुछ है, कुछ लोग हैं क्या, चलो उनसे भी बैटल किया जाए, वैसे भी हमें बहुत लेवल अप करने हैं। हम ताकत पर ट्रेनर से भाई, ये शायद फ्लाइंग टाइप है इसलिए इलेक्ट्रिक टाइप डालूँगा, क्या देगा डैमेज, कुछ बार हील भी कर देता है यार, ये तो बहुत गंदी बात है। अब पैरलाइज हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं, मुझे फर्स्ट हिट मिला और मैंने इसे हरा दिया। याद रखना पोकेमॉन ग्लेस भी खेलूँगा, अगला एपिसोड इसका ही आएगा पोकेमॉन ग्लेस का, और यहाँ कुछ मुझे नहीं लगता। चल तुझको भी हराते हैं, ऐसे मुझे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं चाहिए। क्या डालूँ, ऑब्वियसली रुकड़ी, मैं रुकड़ी को इग्नोर क्यों करता हूँ मुझे खुद नहीं पता यार, ये बहुत गंदी बात है, हमेशा ये बहुत गंदी बात है कि मैं पॉइजन हो जाता हूँ। शायद मेरे पास कोई एंटीडोट होगा, पता नहीं, शायद होगा। इसका लेवल 12 हो चुका है, अरे यार रुकड़ी तू ही काफ़ी है। ओ लगता है इसका डिफेंस बहुत तगड़ा है, लगता तो है, देखा, वरना तो हमेशा एक अटैक में जा सकता था, पर नहीं गया। चल कोई बात नहीं, रुकड़ी इस ओपी मैन,
पता नहीं इवॉल्व कब होगा। क्या रुकड़ी अभी इवॉल्व हो रहा है? व्हाट, आज के एपिसोड में दो पोकेमोन इवॉल्व हो गए लिटरली? बहुत अच्छी बात है। यस यस दो। अरे यार पॉइजन है, मुझे यकीन नहीं हो रहा आज के एपिसोड में दो पोकेमोन इवॉल्व हुए हैं। ये कौन सा, लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा। बोलो कि ये सपना है, लेकिन ये सपना नहीं सच है। एक मिनट यार यार यार, उस कोविड कौन सा टाइप का है यार? मुझे टाइपिंग के बारे में तो पता नहीं है, शायद ये ग्राउंड टाइप या फिर नॉर्मल टाइप होगा। अबे ग्राउंड टाइप होना चाहिए था यार, ये तो असिस्ट। अबे भाई काफ़ी काफ़ी यार, अटैक मिस क्यों हो रहा है? चेंज कर देता हूँ, रिस्क क्यों लेना। सीधा बेच चेवटल को, तू भी इवॉल्व हो जा भाई, मज़ा आएगा आज के एपिसोड में। चल हरा दे हरा दे, स्पीड ज़्यादा है ना, बहुत बढ़िया। काश आज के एपिसोड में चेवटल भी इवॉल्व हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। कौन कौन इवॉल्व होंगे देखते हैं, मैं तो मज़ा आएगा ये वाला। चल कोई बात नहीं, एंटीट्यूड होगा शायद मेरे पास। नहीं है क्या यार? नहीं है नहीं है नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आगे कोई बैटल हुई तो देखेंगे, मैं सर्वाइव कर ले प्लीज़। नहीं तो ये आगे शायद एक गुफा है, तो आई थिंक कि मुझे वापस जाना है, और अगले एपिसोड में हम उस गुफा में जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं लगता इस एपिसोड में जा पाऊँगा। तुम समझ सकते हो कि हम बड़ी वीडियोस नहीं बना सकते, वरना उसे जो एडिटिंग में टाइम लगता है ना वो ज़्यादा लगता है, और जब वो एक्सपोर्ट होता है तो और भी टाइम। ट्रू बीश हाई भाई, टाइम नहीं है। फेंटेड यार, ये बहुत गंदी बात होगी। अबे रुक डिसाइड, मैं इसलिए रुक रहा था लेकिन फेल हो गया। टाइरोग फाइटिंग टाइप के बारे में बाद में सोचूंगा। तो चल नमस्कार मेरे पकवान को हिल कीजिए। तो अगले एपिसोड में हम जाएंगे आगे उस गुफा में। तो यहाँ पर अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो बता देना, मैं वो कर लूँगा, ठीक है? तो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक मिनट सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय। I'm a heavyweight.